सो गुड मॉर्निंग गाइस, और 17 मार्च के करंट अफेयर्स के वीडियो में हमारा पहला प्रश्न है, हाल ही में मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशन नाम की बुक को किसने लिखा है? तो आंसर होगा ऑप्शन बी, तवलीन सिंह ने। ये एक पत्रकार है और अभी इन्होंने एक बुक लिखी है जिसका नाम है मसीहा मोदी अ टेल ऑफ ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। इसमें इन्होंने मोदी सरकार के प्रति उनके अनुभवों को बताया है। बाकी आप नाम देखेंगे ताहिरा कश्यप का, हमने बात की थी, प्रोड्यूसर हैं ये, और ये आपके जो एक्टर हैं कौन, आयुष्मान खुराना, उनकी वाइफ हैं, और इन्होंने अभी एक बुक लिखी है द 12 कमेंडमेंट्स ऑफ बीइंग अ वुमेन। बाकी डॉक्टर के खंडेलवाल की बात करेंगे, इन्होंने बुक लिखी थी कमेंट्री एंड डाइजेस्ट ऑन द एयर एक्ट 1981, और अभी धर्मेंद्र रॉय ने एक बुक लिखी थी द थिन माइंड मैप बुक। बढ़ते आगे, फिर है अभी हाल ही में जीएसटी परिषद ने मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर को कितने प्रतिशत निर्धारित किया है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी, 18%। तो अभी तक क्या था, मोबाइल फोन पर जो जीएसटी की दर थी, जीएसटी थी, वो कितनी थी, 12% थी। और अभी नई दिल्ली में जो आपकी जीएसटी परिषद की जो बैठक हुई है उसमें मोबाइल फोन पर जीएसटी की दर को 18% कर दिया गया है। साथ ही मैं आपको बता दूं, विमान के रखरखाव और मरम्मत और उसकी सेवाओं पर जीएसटी जो पहले 18% तक था उसे घटा करके 5% कर दिया गया है। तो ये दो चेंजेस किए गए हैं। और आपको याद होगा भी कुछ समय पहले ही जो लॉटरी होती है उस पर जो जीएसटी है उसको बढ़ा करके 28% कर दिया गया है, तो वो भी आपको याद रखना है। अच्छा, जीएसटी से कुछ बेसिक क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूँ क्योंकि कई बार यहाँ से प्रश्न बन जाते हैं। जैसे कि बात करेंगे विश्व में जीएसटी सबसे पहले कहाँ पे लागू हुआ था, तो आपको पता है फ्रांस में, लेकिन कब हुआ था, 1954 में। अच्छा, भारत में जीएसटी कब लागू हुआ, 1 जुलाई 2017 को, और यही कारण है कि 1 जुलाई को हम जीएसटी दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य में लागू हुआ था, तो फिर आंसर होगा असम में, और सबसे आखिरी में किस राज्य में लागू हुआ था, तो जम्मू कश्मीर आंसर करना है। अच्छा, कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है, तो फिर आंसर होगा आपका कनाडा। और अगर आपसे पूछा जाए भारत में जीएसटी लागू करने का सुझाव किस समिति ने दिया था, तो विजय केलकर समिति ने। अच्छा, ब्रांड एम्बेसडर कौन है जीएसटी के, तो अमिताभ बच्चन है। और ये भी काफी इंटरेस्टिंग प्रश्न बनता है कि जीएसटी समाप्त करने वाला पहला देश कौन सा बना, तो मलेशिया बना। अच्छा, जीएसटी परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं, बेसिक सा क्वेश्चन है, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं जो अभी हैं निर्मला सीतारमण। और इंडिया में जीएसटी 3 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो आपको नॉर्मली याद होने चाहिए। बढ़ते आगे, और गाइज अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करा करें, कम से कम एक बंदा एक वीडियो को लाइक जरूर करा करे अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो। लाइक करने में आपका कोई चार्ज नहीं लगता है, आपके लाइक करने से, आपके शेयर करने से मेरा मनोबल बढ़ता है, मेरा उत्साह बढ़ता है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है आपके लाइक और शेयर करने से, तो अगले दिन मैं और ज्यादा मोटिवेटेड होकर के आपको चीजें बताने की कोशिश करता हूँ और नए पॉइंट ऐड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज अगर पसंद आता है तो इसे शेयर जरूर करा करें। अभी हम बढ़ते आगे, फिर है भारत COVID-19 के स्ट्रेन को सफलतापूर्वक अलग करने वाला कौन सा देश बन गया है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, 5वां देश बन गया है। एक्चुअली में अभी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी पुणे के वैज्ञानिकों ने COVID-19 के 11 स्ट्रेन को अलग करने में सफलता प्राप्त की है। अब इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हुआ कि साइंटिस्टों ने वायरस के प्योर सैंपल को मानव शरीर के बाहर हासिल कर लिया है। तो अब इससे होगा क्या, तो इससे बीमारी का टीका बनाने में मदद मिलेगी, उसके डायग्नोसिस किट यानी कि जांच किट बनाना आसान होगा। तो भारत स्ट्रेन को सफलतापूर्वक अलग करने वाला कौन से नंबर का देश बनाए, 5वें नंबर का देश बनाए, ये आपको याद रखना है। अब भारत 5वां बनाए तो आपके माइंड में ये जरूर आया होगा कि शुरुआत के 4 कौन कौन से देश हैं, तो चाइना है, जापान है, थाईलैंड है, यूएस है, और अब भारत हो गया है। तो ये आपको याद रखना है। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 16 मार्च को। तो भारत में हर साल 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे के रूप में मनाया जाता है। तो भारत सरकार हर साल देश के लोगों को टीकाकरण के महत्व के बारे में बताने के लिए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाती है। मैं आपको बता दूं, 1995 में भारत में पोलियो के खिलाफ एक ओरल वैक्सीन की पहली खुराक दी गई थी। और याद रखना 27 मार्च 2014 को, साल याद रख लो आप 2014 को, पोलियो मुक्त हुआ था भारत।
अच्छा, विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह 2020 यानी कि वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2020, इसकी थीम क्या है? इसकी थीम है वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। और विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह ये हमेशा अप्रैल के लास्ट वीक में मनाया जाता है, यानी कि 24 से 30 अप्रैल को। तो इम्पोर्टेंट डेज वाला क्वेश्चन है। वैसे मैंने कल आप लोगों को बोला था इम्पोर्टेंट डेज जितने आपको याद है लिखिए, मार्च में आप लोगों ने लिखा, तो चलिए आज मैं आपको रिविजन करवाता हूँ। 1 मार्च को हमने मनाया था शून्य भेदभाव दिवस, जीरो डिस्क्रिमिनेशन डे। थीम रही थी जीरो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन एंड गर्ल्स, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ शून्य भेदभाव। 1 मार्च को ही हमने विश्व नागरिक रक्षा दिवस, वर्ल्ड सिविल डिफेंस डे भी मनाया। 3 मार्च को विश्व वन्य जीव दिवस, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे के रूप में मनाया, जिसकी थीम थी सस्टेनिंग ऑल लाइफ ऑन अर्थ, पृथ्वी पर सभी का जीवन बनाए रखना। 3 मार्च को ही हमने विश्व हियरिंग दिवस, वर्ल्ड हियरिंग डे भी मनाया। फिर 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, नेशनल सेफ्टी डे मनाया। फिर 7 मार्च को जन औषधि दिवस के रूप में मनाया। 8 मार्च को बहुत इंपॉर्टेंट डे मनाया हमने, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, इंटरनेशनल वुमेन डे, जिसकी थीम थी आई एम जनरेशन इक्वलिटी, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट। फिर 12 मार्च को हमने मनाया वर्ल्ड किडनी डे। वैसे मार्च के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है ये, तो ये चेंज होता रहता है, तो इस साल हमने 12 मार्च को मनाया ये। 13 मार्च को वर्ल्ड स्लीप डे, 14 मार्च को इंटरनेशनल पाई डे मनाया, और 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस, वर्ल्ड कंज्यूमर राइट डे, और अभी 16 मार्च को नेशनल वैक्सीनेशन डे, राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस के रूप में मनाया। तो ये आप सारे याद रखना, बढ़ते हैं आगे। फिर है हाल ही में डार्क स्काई प्लेस के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बन गया है? सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, न्यू। न्यू ये दक्षिण प्रशांत महासागर में एक छोटा सा द्वीप राष्ट्र है, और इसने जो अपने राष्ट्र भूमि और समुद्र के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल डार्क स्काई एसोसिएशन को आवेदन दिए थे, उसको मंजूरी मिल गई है, और इस तरह से ये न्यू देश डार्क स्काई नेशन के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है। अच्छा, ये डार्क स्काई प्लेस क्या है? तो ये वो स्थान होते हैं जो रात के समय के वातावरण को स्वाभाविक रूप से अंधेरा रखते हैं। और वैसे आपको बता दूं, दुनिया भर में इस तरह की मान्यता प्राप्त 130 डार्क साइट हैं, पर पहली बार ये सम्मान किसी पूरे देश को दिया गया है, और वो देश है न्यू। न्यू ये रहा मैप में न्यू। कैपिटल क्या है? अफॉली है। करेंसी है न्यूजीलैंड डॉलर। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में किस राज्य में पारंपरिक फूल देई त्योहार शुरू हुआ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, उत्तराखंड में। तो अभी उत्तराखंड में मनाया जा रहा है फूल देई त्योहार। ये त्योहार चैत्र के पहले दिन या मार्च के मिड में मनाया जाता है, और इस त्योहार में जो लड़कियां होती हैं वो ऋतु के पहले फूलों को तोड़ती हैं और अपने घरों को सजाती है। यहाँ पे जो देई है ना, इसका मतलब एक प्रकार की मिठाई से है, मिष्ठान से है, जो गुड़, सफेद आटे और दही से बनाया जाता है और फिर सब में बांटा जाता है। अब बात उत्तराखंड की है तो येरा मैप में उत्तराखंड, कैपिटल देहरादून है, मुख्यमंत्री है त्रिवेंद्र सिंह रावत और गवर्नर है बीबी रानी मौर्य। अच्छा, आपको याद होगा अभी उत्तराखंड ने गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन यानी कि समर कैपिटल बनाने की घोषणा की थी, और अभी याद रखना जो अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव है कहाँ पे हुआ था? उत्तराखंड के ऋषिकेश में हुआ था, 1 से 7 मार्च के बीच में। और अगर आपसे पूछा जाए भारत का पहला ग्लास फ्लोर सस्पेंशन ब्रिज कहाँ पे बनेगा, उत्तराखंड के ऋषिकेश में बनेगा, गंगा नदी के ऊपर, जो इसका फ्लोर होगा बिल्कुल कांच का होगा, पार पार देख सकते हो। और याद रखना कृषि भूमि को पट्टे यानी कि लीज पर देने वाला पहला राज्य भी आपका कौन सा बना? उत्तराखंड ही बना है। अच्छा देखो, उत्तराखंड में एक डैम है वो काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, टिहरी डैम उत्तराखंड में है। किस नदी पे है? भागीरथी नदी पे है। और एक नेशनल पार्क भी है यहाँ पे, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ये भारत का सबसे पुराना या यूं कह दूं भारत का सबसे पहला नेशनल पार्क है। पहले इसका नाम हेली नेशनल पार्क हुआ करता था, और इसी के बीच में से एक नदी भी निकलती है जिसको कहते हैं रामगंगा नदी, तो वो भी आप याद रखें। बढ़ते आगे। फिर है हाल ही में नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, बंशी लाल भट्ट को। तो अभी केंद्र सरकार ने जस्टिस बंशी लाल भट्ट को नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल का कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्त किया है। वे पिछले अध्यक्ष जो थे न्यायमूर्ति सुधांशु ज्योति मुखोपाध्याय, उनका स्थान लेंगे, जो अभी हाल ही में रिटायर्ड हो गए हैं। और ये जो जस्टिस बंशीलाल भट्ट हैं, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश। बाकी जो ऑप्शन है एक बार इनको भी देख लीजिए, अभिषेक सिंह, ये अभी वेनेजुएला में भारतीय राजदूत यानी कि एम्बेसडर बने हैं। अजय बिसारिया कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त हाई कमिश्नर बने हैं। और गोपाल बागले
श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त बने हैं। कुछ और नाम भी जैसे मैं आपको बताना चाहूं तो तरनजीत सिंह संधू, ये भी अभी न्यूज में था क्योंकि अमेरिका में भारतीय राजदूत बने। पहले अमेरिका में भारतीय राजदूत थे कौन, हर्षवर्धन श्रृंगला, जो अभी आपके फॉरेन सेक्रेटरी बना दिए गए हैं। और फाइनेंस सेक्रेटरी कौन बने बताओ तो अजय भूषण पांडे, उनका नाम भी याद रखना। और अभी संजय कुमार पांडा भी न्यूज में थे, टर्की में भारतीय राजदूत बने हैं ये, तो ये पॉइंट भी याद रखना। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में किसे भारतीय रिजर्व बैंक के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया गया, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, देवाशीष पांडा को। तो अभी हाल ही में देवाशीष पांडा को आरबीआई के केंद्रीय बोर्ड में निदेशक के रूप में नामित किया है। ये वर्तमान में वित्तीय सेवा विभाग में सचिव हैं। ध्यान से सुनना, ये वित्तीय सेवा विभाग में सचिव हैं, लेकिन वित्त सचिव की बात करेंगे तो अजय भूषण पांडे नाम याद रखना, ये मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बता दिया। वैसे मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए कि आरबीआई में सरकार के द्वारा दो निदेशक नामित किए जाते हैं, नॉमिनेट किए जाते हैं, तो एक तो ये हो गए देवाशीष पांडा, और एक कौन से हैं, एक है अतनु चक्रवर्ती। बाकी जो ऑप्शन देख रहे हैं, अभी हमने पढ़ा था प्रशांत कुमार कली यस बैंक के एमडी सीईओ बने थे, लिंगम वेंकट प्रभाकर कैनरा बैंक में एमडी सीईओ बने थे, और अतनु कुमार दास ये बैंक ऑफ इंडिया में एमडी सीईओ बने थे। बाकी आरबीआई की चर्चा हुई है तो इसके बारे में भी जान लीजिए। स्थापना हुई थी, देखो इसकी स्थापना याद रखना, कई बार एग्जाम में पूछ ली जाती है आरबीआई की स्थापना कब हुई थी, 1 अप्रैल 1935 को। हेडक्वार्टर तो मुंबई में है, गवर्नर है शक्तिकांत दास, कौन से नंबर के हैं, 25वें नंबर के हैं। अच्छा अभी आपको याद होगा द बैंकर मैगजीन ने सेंट्रल बैंक ऑफ द ईयर 2020 के लिए किसको चुना था, शक्तिकांत दास को चुना था। और कुछ अपॉइंटमेंट्स अगर मैं आपको बताऊं तो अभी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का कार्यकारी निदेशक चुना गया किसको, जनक राज को। और अभी एक डेप्यूटी गवर्नर अपॉइंट हुए थे, क्या नाम है उनका, माइकल देवव्रत पात्रा। अच्छा ये तो अपॉइंट हुए थे, अभी अभी कुछ दिन पहले ही एक डेप्यूटी गवर्नर ने इस्तीफा भी दे दिया है। नाम बता सकते हैं उनका, तो आंसर होगा NS विश्वनाथन, तो ये नाम भी याद रखना। और अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की जो रिपोर्ट आई थी और उसमें बताया गया था कि दूसरे देशों से सोना खरीदने के मामले में आरबीआई किस स्थान पर है, तो 6ठे स्थान पर है। अच्छा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के वर्तमान गवर्नर तो आपने कह दिया कौन है, शक्तिकांत दास है। कई बार ये भी पूछ लिया जाता है कि पहले गवर्नर कौन थे, तो वो थे ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन कई बार क्वेश्चन को और ट्विस्ट करके पूछा जाता है कि पहले स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर कौन थे, तो उनका नाम भी याद रखना, CD देशमुख है। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज प्लस ओमान ओपन में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अचंता शरत कमल ने। तो अभी भारतीय टेबल टेनिस प्लेयर हैं ये शरत कमल, और इन्होंने इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन चैलेंज प्लस ओमान ओपन में मेन सिंगल का टाइटल जीत लिया है। इसमें इन्होंने पुर्तगाल के मार्कोस फ्रिटॉस को हराया है, किसने, शरत कमल ने, ओमान ओपन टेबल टेनिस टूर्नामेंट जीत लिया। बढ़ते हैं आगे, फिर है हाल ही में सरकार ने किसे विश्व स्तरीय रेलवे स्टेशन बनाने के लिए चुना है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, नई दिल्ली स्टेशन को। तो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास स्टेशन बनाने के लिए चुना है, तो इसके लिए लगभग 6500 करोड़ रुपए का खर्च आएगा और इस स्टेशन को एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। किस रेलवे स्टेशन को, नई दिल्ली स्टेशन को। बाकी आप यहाँ पे जो देख रहे हो आनंद विहार रेलवे स्टेशन, ये भी अभी न्यूज में था, क्यों था बता सकते हो, भारत की पहली स्क्वैट मशीन लगाई गई है यहाँ पे। अब अगर आप इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो आपको माइंड में आएगा ये स्क्वैट मशीन क्या है, तो एक तरह की मशीन है, अगर आप इसके सामने जाकर के 180 सेकंड में लगभग 30 उठक बैठक लगाते हो तो आपको प्लेटफॉर्म टिकट मुफ्त में दी जाती है। बाकी आसनसोल रेलवे स्टेशन, ये भी अभी न्यूज में था, ये है आपके पश्चिम बंगाल में, और यहीं पर रेस्टोरेंट ऑन व्हील गाड़ी की भी शुरुआत की गई है। और सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन तो आप जानते ही हो, मेघदूत एटमॉस्फेरिक वाटर जनरेटर लगाया गया था, मतलब जो हवा से पानी बनाता है, तो ये भी कुछ पॉइंट्स हैं याद रखना। रेल मंत्री हमारे पीयूष गोयल है ही सही, और रेलवे बोर्ड के वर्तमान में अध्यक्ष हैं विनोद कुमार यादव। बढ़ते आगे, फिर अभी हाल ही में मोबाइल प्रीमियर लीग ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, तमन्ना भाटिया को। तो अभी कुछ समय पहले हमने पढ़ा था कि MPL ने विराट कोहली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, और अब MPL ने तमन्ना भाटिया को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना लिया है। बाकी करीना कपूर की बात करेंगे, अभी हमने पढ़ा था प्यूमा की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी ये, और शेफाली वर्मा जो महिला क्रिकेटर है भारत की, पेप्सी को ब्रांड की ब्रांड एम्बेसडर बनी थी।
और पीवी सिंधु की बात करेंगे तो अभी आंध्र प्रदेश ने एंटी करप्शन हेल्पलाइन का इन्हें ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, तो ये भी याद रखना। बढ़ते आगे, फिर है हाल ही में WIONवैश्विक सम्मेलन के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ पे किया गया? सही उत्तर होगा ऑप्शन है दुबई में। WIONमतलब वर्ल्ड इज वन न्यूज, तो ये वर्ल्ड इज वन न्यूज ये भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय न्यूज चैनल है और अभी इसका तीसरा संस्करण आयोजित किया गया यूनाइटेड अरब अमीरात के शहर दुबई में, जिसकी थीम क्या रही, नेविगेटिंग एंड नेगोशिएटिंग ग्लोबल इम्पेरेटिव। अब ये हुआ यूनाइटेड अरब अमीरात में, तो ये रहा मैप में UAE, कैपिटल अबू धाबी है, करेंसी है दिरहम, प्रेसिडेंट है शेख खलीफा बिन जायद अल नहयान, और दुबई में याद रखना आपके ICC का हेडक्वार्टर भी है। अच्छा, अभी UAE के नए क्रिकेट निदेशक किसे बनाया गया, तो रॉबिन सिंह को बनाया गया है, ये नाम आपको याद रखना है। और वैसे आपको याद होगा अभी वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट भी आपका अबू धाबी में ही हुआ था, और दुनिया का सबसे पुराना मोती कहाँ पे खोजा गया था, यूनाइटेड अरब अमीरात के मालवा द्वीप में, जो कि अबू धाबी के पास में स्थित है। और याद रखना यूनाइटेड अरब अमीरात ने बोला है कि दुनिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी यूनिवर्सिटी वो बनाएगा अबू धाबी में। तो अब बात करेंगे कल की वीडियो में पूछे गए प्रश्न के उत्तर की। तो कल की वीडियो में आपसे प्रश्न पूछा था उत्तरण योजना ये किस राज्य के द्वारा लागू की गई है, सही उत्तर था ऑप्शन बी असम सरकार के द्वारा। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया है। तो गाइज अगर वीडियो को अभी तक आपने लाइक और शेयर नहीं किया है, इसको लाइक करना भूल गए हैं, तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिएगा। तो गाइज इन सभी क्वेश्चंस का क्विज बना करके मैंने एप्लीकेशन पर अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने वीडियो बिल्कुल ध्यान से देख लिया है तो वहां जाइए और इन सभी क्वेश्चंस का आप प्रैक्टिस लगा लीजिए, ताकि ये सारे क्वेश्चंस आपको अच्छी तरीके से याद हो जाए। और जो नए स्टूडेंट इसे पहली बार देख रहे हैं, आपको बता दूं कि क्विज में अब रैंकिंग फीचर भी ऐड हो चुका है, तो अगर आप कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन राइट करते हो तो आपका नाम आपके फोटो के साथ टॉप 10 स्टूडेंट्स में आपको दिखाई देगा, आपको ही नहीं जितने भी लोग क्विज लगाएंगे उन सबको दिखाई देगा कुछ इस तरीके से, ताकि आपको भी एक अंदर से मोटिवेशन मिल सके कि आपको भी यहां तक पहुंचना है, ताकि सब लोग आपको टॉप 10 में देख सके। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कोई शॉर्टकट तरीका आपको अपनाना है, यहाँ पे आप अपनी प्रैक्टिस कर रहे हो, तो बिल्कुल ईमानदारी रखना, क्वेश्चन को पूरा रीड करना और ध्यान से आंसर लगाना। और वैसे भी आप तो आपके इन करंट अफेयर्स का रिवीजन करवाने के लिए मैं इसका ऑडियो भी तैयार कर रहा हूँ, तो दिन में 4 से 5 मिनट निकाल करके वो आप ऑडियो सुन लीजिए, ताकि आपका इन करंट अफेयर्स का फिर से रिविजन हो जाए, क्योंकि आपको पता है चीजों को पढ़ना इंपॉर्टेंट है लेकिन समय समय पर उनका रिविजन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। रिविजन नहीं करोगे तो वो सारी चीजें आप भूल जाओगे, तो आप ही के लिए मैं इसका रिविजन ऑडियो तैयार कर रहा हूँ। तो उस ऑडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाकर के आप मुझे फॉलो कर लीजिए, और फॉलो करने के बाद में पास में जो बेल आइकन आएगा आप उसे जरूर दबा लेना, ताकि जब भी मैं ऑडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और एप्लीकेशन अगर अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किए तो उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा, वहीं पे आपको क्विज वीडियो PDF सब मिल जाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप करिए। चलिए अब मिलते हैं करंट अफेयर्स के रिवीजन वीडियो में। थैंक यू गाइस।